हेलो एवरीवन अ वेरी वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप आज हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री यानी कि 17 अक्टूबर से जुड़े वो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत जरूरी हैं बहुत आवश्यक हैं सो लेट हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट फैक्ट फर्स्ट फैक्ट ऑफ द दिन एटीन सेवनटीन सत्रह अक्टूबर के दिन सर सैयद अहमद खान जिनका की ओरिजिनल नेम है सर सैयद अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुक्तकी इनका जन्म हुआ था इन दिल्ली ये एक बहुत ही जाने माने इस्लामिक रिफॉर्मर और दार्शनिक हैं सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया के इनका सबसे सराहनीय कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अलीगढ़ मूवमेंट जो कि एक सिस्टमिक मूवमेंट था जिसका उद्देश्य था सोशल पोलिटिकल और एजुकेशनल रिफॉर्म लाना अमंगस द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया ही ऑलवेज वॉन्टेड टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन साइंटिफिक आइडियाज एंड वेस्टर्न आइडियोलॉजीज इन द पीपल ऑफ हिज ओन कंट्री 1863 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का निर्माण किया और उसके तहत इन्होंने सारे ही मशहूर वर्क में और मॉडर्न आर्ट्स में उर्दू में ट्रांसलेट भी इन 1875 ही इज वेरी वेल नोन फॉर फाउंडिंग द एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ इनके सारे योगदानों के लिए इनके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको खान बहादुर का टाइटल भी दिया गया था जो कि एक बहुत बड़ा ऑनर था ब्रिटिश इंडिया का और इन को ब्रिटिश इंडिया ने नाइटहुड भी दिया था इनफैक्ट इन 1973 एंड इन in 1998, इंडिया पोस्ट ने दो पोस्टल स्टैम्प्स भी इनके ऑनर में इशू किए थे जो कि कमोरेटिव स्टैम्प्स थे इन द मेमोरी ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड इनका सबसे सराहनीय कंट्रीब्यूशन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था दैट वाज़ द फॉर्मेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार आइडिया ऑफ अ सेपरेट नेशन या फिर सेपरेट स्टेटहुड की बात की थी फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया इसके पश्चात चल के देखते हैं विच इज द सेकंड इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर दिस दिस डेट एंड स्वामी राम तीर्थ का जन्म जब स्वामी राम तीर्थ का निधन हुआ था स्वामी राम तीर्थ दूसरा नाम है राम स्वामी, राम स्वामी यानी कि स्वामी के नाम से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं ये इंडियन टीचर थे इंडियन गुरु थे हु यूज टू टीच द हिंदू फिलोसफी ऑफ वेदांता इन फैक्ट ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो यूएस गए थे इन नाइनटीन हंड्रेड एंड टू वेदांता की फिलोसफी के ऊपर लोगों को बताने और इसके बारे में प्रचार करने के लिए द अदर टू वेरी फेमस पीपल इन हिस्ट्री कि कैसे इन्होंने शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाके हिंदुत्व और वेदांता के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव टॉक की थी वर्ल्ड रिलीजन के बारे में बहुत इंप्रेसिव बात की थी सिमिलरली में जो दूसरे सिमिलर 1920 में दूसरे वो मशहूर व्यक्ति जो यूएस गए थे टू टॉक अबाउट द फिलोसफी ऑफ वेदांता वॉज परम हंस योगन स्वामी राम तीर्थ दो और कामों के लिए बहुत फेमस है ही हैजन इलेबोरेट वर्क एंड स्पीचेज ऑन कृष्ण एंड ऑल्सो ऑन अद्वैत वेदांता इसके साथ चलते हैं अपने थर्ड फैक्ट की तरफ और वो कुछ इस प्रकार है कि कैसे सेवनटीन अक्टूबर 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली एंड प्रेसिडेंट ऑफ बर्मा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थकिन नू के बीच में अग्रीमेंट कंक्लूड हुआ था जिसके तहत रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ बर्मा फॉर्म हुई थी एज एन इंडिपेंडेंट सोवरन स्टेट ऑन फोर्थ जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट दिस कंट्री वॉज स्टैब्लिश एज अ सेपरेट स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ द बर्मा इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन और अगर बात की जाए बर्मा के बारे में तो ये आज का मॉडर्न डे म्यांमार है एंड इट्स कैपिटल इज और लार्जेस्ट सिटी है Yangon, जो पहले यहाँ की कैपिटल भी थी द करेंसी ऑफ म्यांमार इज बर्मीज कया एंड इंडिया शेयर्स वन थाउजेंड किलोमीटर बॉर्डर लाइन विथ म्यांमार एंड दिस बॉर्डर लाइन टचेज थ्रू द स्टेट ऑफ नागालैंड इन इंडिया ऑल्सो फ्रॉम मणिपुर मिजोराम एंड अरुणाचल प्रदेश बर्मा एक साउथ ईस्ट एशिया में स्थित ऐसा देश है जो कि इंडिया बांग्लादेश चाइना लॉस और थाईलैंड के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है और आज की डेट में द टेंथ प्रेजिडेंट ऑफ बर्मा एंड द करेंट प्रेजिडेंट ऑफ बर्मा इज विन मिंथ जो की तीस मार्च दो से सर्व कर रहे हैं कंट्री को एक और बहुत फेमस और जानी मानी लीडर जो की एक नोबेल लोरेट भी है जिनका नाम है ओंग सैंग वो स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार है और इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फाइट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार ये कहते हुए चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ विच टॉक्स अबाउट द बर्थ ऑफ द वेरी फेमस एंड वेल नोन फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कोच एंड कमेंटेटर अनिल कुंबले बोर्न ऑन सेवेंटीन अक्टूबर नाइनटीन इनका जन्म बैंगलोर यानी कि कर्नाटका स्टेट में हुआ था एंड ही इज ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर हैविंग रिसीव्ड द वेरी वेरी प्रेस्टीजियस अर्जुना अवार्ड वेरी फेमस अर्जुना अवॉर्ड इन दर नाइन नाइनटी फाइव टू थाउजेंड फाइव में इनको से भी पुरस्कृत किया गया था पद्मश्री जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट और इलेवन पंजाब जो की मोहाली में स्थित एक क्रिकेट टीम है और जो इंडियन प्रीमियर लीग में भाग भी लेती है नाउ अनिल कुंबले इज ऑल्सो फर्स्ट इंडियन टू हैव मेड सिक्स हंड्रेड विकेट इन टेस्ट क्रिकेट मैच अगर क्रिकेट की बात की जाए तो हमें एक और अगर क्रिकेट की बात की जाए तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की चर्चा करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऐसा हाईएस्ट अवार्ड है क्रिकेट के डोमेन में जो तो हर साल यानी कि एनुअली दिया जाता है बाय द आईसीसी विच इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सारे ही उन प्लेयर्स को जो की अक्रॉस द वर्ल्ड चोजन बेस्ट प्लेयर्स होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इसके साथ हम समाप्त करते हैं आज के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट और चल के देखते हैं विच क्वेश्चन इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ जो की है टू में किस प्रकार मॉलदीव्स में एक बहुत अनयूजल Event हुआ. 2009 अक्टूबर प्रेसिडेंट ऑफ मोहम्मद नशीद उन्होंने अपने तेरा और गवर्नमेंट के के साथ समुद्र की सतह अंदर मीटिंग ली। जो कि एक ऐसा आइलैंड है जो यूजुअली मोलदीव में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड द रीजन बिहाइंड होल्डिंग दिस अंडर वाटर मीटिंग वॉज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द Dangers that are being faced by the corals. Why?

तो मॉलदीव्स एक ऐसा आर्की है एक ऐसा झुंड है छोटे छोटे आइलैंड्स का जो कि साउथ एशिया में स्थित है इन द अरेबियन सी

थ्री मोहम्मद इकबाल एंड फोर मौलाना अब्दुल कलाम आई एम after आफ्टर हैविंग सीन द वीडियो वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ चुके होंगे इसका उत्तर क्या है और अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आई strongly रिकमेंड कि फ्रेंड्स प्लीज जाके वीडियो को फिर से देखिए और जाके समझिए कि किस प्रकार हमने इन सारे फैक्ट्स को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है बिकॉज दीज आदर क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो इसलिए प्रयास करिए कि खुद ही आप इसका उत्तर दें सो दैट यू गेट More experience into dealing with these kind of topics. Agla Sawal Hamara hai, Sir Sayyid Ahmad Khan is known for establishing which of the following institutions. 1 Jamia Millia, 2 Aligarh Muslim University, 3 All India Muslim League, and 4 none of the above. Next question: here: what was the childhood name of Swami Ramteer? Ram Tirth? A Ram Tirth, B Tirathram, C. Mul Shankar, D. Varthaman. Next question, hai, Swami Ram Tirth is associated with which of the following ideology? A Dwaitwad B. Advaitwad, 3 Anishwarvad, and 4 none, and 4 all of the above. Agla Sawal hai, which of the following Indian state does not share a border with Myanmar? 1 Nagaland, 2 Manipur, 3 Mizoram, and 4 Sikkim. Next question hai, in which year was Burma separated from British India during the British rule? 1 1943, 2 1937, 3 1921, and 4 1939. Next question says, who is the first Indian to take 600 wickets in Test cricket? ऑप्शन है कपिल देव जवागर श्रीनाथ अनिल कुंबले या फिर अजीत अगर अगला सवाल है एकुवरेन, एकुवरेन युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच किए जाते हैं ए यानी कि वन इंडिया म्यांमार टू इंडिया मॉलदीव्स थ्री इंडिया श्रीलंका या फिर फोर इंडिया नेपाल आई एम श्योर सारे फैक्ट्स को समझने और सुनने के बाद यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दीज आंसर्स और इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं वी नीड टू प्रिपेयर फॉर देम वी नीड टू बी श्योर ऑफ देम थैंक यू सो मच फॉर बींग पार्ट ऑफ द सेशन